एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं लेके आई हूँ, आज स्पेशल एक वीडियो होने वाला है जो कि है पिगमेंटेशन पे। जो कि मैंने पिछले महीने कहा था कि मैं एक पिगमेंटेशन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला क्रीम लेके आने वाली हूँ जो कि आपके पिगमेंटेशन 100% जो है वो हटाएगी और आपको कोई भी लेजर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, फलाना ढिमकाना क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब निश्चिंत होकर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जो कि मैं आपको बताऊँगी। ये फॉर्मूला बहुत ही असरदार है, ये आपके पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करेगा। आपको डेली लगाना है, शर्त ये है कि अगर आप रात को लगा रहे, एक भी दिन स्किप नहीं करना है आपको। और दूसरी चीज़ जो है कि आपको सुबह उठते ही क्लीन फेस को क्लीन करके आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अगर आप कोई सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले कोई अच्छी सी डे क्रीम या सीरम अप्लाई कीजिए बेस पे, ठीक है। डायरेक्ट जो है अपने स्किन पे डायरेक्ट सनस्क्रीन नहीं लगानी है। अगर आप कोई सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आप कोई ऐसे सीरम या फिर कोई ऐसी अच्छी सी क्रीम लगाइए, उसके ऊपर से आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। या फिर आप, मैं कहूँगी कि सनस्क्रीन से बेटर है कि आप कोई ऐसी क्रीम अप्लाई कीजिए जिसमें SPF 30+ हो या 40 हो या 50, जो कि मैं दो क्रीम आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। एक पिल क्रीम की है जो कि SPF 50 के साथ आती है, दूसरी है सेंट बोटैनिका की जो कि SPF 50 के साथ आती है। डे क्रीम है दोनों और बहुत ही बढ़िया हैं, आपके स्किन को फुली प्रोटेक्ट करती हैं, बिल्कुल भी आपकी स्किन काली नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लाइक कर रहे हैं, अगर आपने सनस्क्रीन में थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आपका चेहरा और भी बुरा हो जाएगा। तो इसमें आप मुझसे कोई भी यहाँ पे ब्लेम मत कीजिएगा कि आपकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बर्न हो गई है। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ, फॉर्मूला बहुत बढ़िया है लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आपकी जो त्वचा है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो फॉर्मूला के लिए जो पहली क्रीम है, क्रीम नहीं है ये, एक थेरेपी है। रिव्यू भी जो है वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसकी फुल डिटेल के लिए इसकी वीडियो देख सकते हैं। नाइट क्रीम से एक फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, आपको ये क्रीम मिल जाएगी या फिर ईजिली आप गूगल कर सकते हो, जिसमें से आप बीटाडर्म से स्काल थेरेपी डालेंगे, फिर उसके बाद जो है वो बी एल प्रोडक्ट रिव्यू मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए या फिर ऑनेस्ट रिव्यू डाल दीजिए, आपको ये इस क्रीम का रिव्यू जो है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आपको एक इस क्रीम को लेना है, आप क्रीम जेल कुछ भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये क्रीम है या जेल, लेकिन फॉर्मूला जो है इसका वो जेल की तरह है। और सेकेंड लेनी आपको नोस्कार, जो कि मेरी भरोसेमंद क्रीम है। अगर इसको किसी ने लगाना सीख लिया ना तो मैं कहूँगी मैं कितनी भी क्रीम के रिव्यू करूँ, ठीक है, लौट फिर के मैं इसी पे ही आती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ इसको लगाने का तरीका जान लेते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ आपको इसके अलावा कोई भी मेडिकेटेड क्रीम लगाने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, आप सिर्फ इस पे ही रहोगे। ये भले ही हाइड्रोक्विनोन क्रीम है लेकिन अगर इसके लगाने का तरीका आपने सीख लिया तो आप भूल जाओगे कि एक हाइड्रोक्विनोन क्रीम है, आप बेशक इसे बिना साइड इफेक्ट के इसे लगा सकते हो। लेना है वो बीटाडर्म से इसका थेरेपी लेना है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आपको इसलिए 1 mg पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको इस तरह से इसको लेना है और इसकी जितनी भी क्वान्टिटी ले रहे हैं ना आप, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी क्वांटिटी आप इसकी लेंगे उतनी ही क्वांटिटी आपको नोस्कास्ट क्रीम की लेनी है, जो कि सेकंड जो है वो मेरे पास ये है। इसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल बराबर के रेशियो में बनाना है। तो जितना मैंने जेल लिया है सिस्कास्ट थेरेपी का उतना ही मैं नोस्कास्ट क्रीम ले रही हूँ। और मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक नोस्कास्ट क्रीम और दूसरी जो है वो फेमसिनॉल ए जेल है या फिर क्लीन थ्री, इन तीनों में से दो क्रीम मेरे पास हमेशा रहती हैं। एक नोस्कास्ट रहता है जब भी मेरा चेहरा कभी ख़राब होता है, क्योंकि मैं मेडिकेटेड क्रीम लगाते रहती हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा चेहरा कभी ख़राब हो ही ना। तो कुछ क्रीम जो है, कुछ प्रोडक्ट जो है वो साइड इफ़ेक्ट दिखा देते हैं, तो जब मेरे कोई फेस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर मेरी स्किन जो है वो थोड़ा सा बर्न होती है, थोड़े से डार्कनेस आ जाती है, तो मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ तो वो बिल्कुल अपने उसमें आ जाती है जैसे कि पहले होती थी। जो भी कभी भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मेरा थोड़ा सा अनइवन लग रहा है तो मैं नोस्कास्ट ट्राई कर लेती हूँ। और बाकी अगर किसी भी प्रोडक्ट का मेरे पे साइड इफ़ेक्ट मिलता है, मतलब एक्ने वगैरह आते हैं, तो मैं फेमसिनॉल ए जेल ट्राई कर लेती हूँ। तो ये दो क्रीमें जो मैं हमेशा मेरे पास रहती हैं, अगर फेमसिनॉल जेल नहीं है तो मैं क्लीन थ्री जेल हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट ले लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करना है कि नोस्कास्ट के एक भी पार्टिकल्स ना रहे, पूरा ये बिल्कुल एक फॉर्मूला बन जाए। तो मैं आपको मिक्स करके दिखा दी हूँ, सिंपल आपको इस तरह से करना है। एक चीज़ और है, जब आप इसको बना रहे हैं मिक्स करेंगे तो आपको लगा के इसे, ये चीज़ जो है ना आपको बिल्कुल नाइट के टाइम करना है, जब आप बिल्कुल सोने ही जा रहे हो तो ही आपको इसे करना है। और फेस पर लगा के अपने हाथों को ज़रूर अच्छे से क्लीन कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे लगा के और आप ऐसे ही सो जाओ, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि कई लोगों की आदत होती है हाथ मुँह पर जाता है,
तो ये चीज़ मैं कहूँगी। और कभी भी ऐसा होता है कि आँख में थोड़ी इचिंग होती है, तो जिस हाथ से आप कर रहे हैं अगर आप हाथ क्लीन नहीं करते हैं अपने, तो वही हाथ जो है आपके आँखों पे लग जाते हैं। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि हाथ आपको क्लीन कर लेना। अगर आपको पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो पूरे फेस पे ना हो के कई जगह पे है, जैसे कि थोड़ा सा चिन पे है या फिर अपर लिप पे है, नोज़ पे है या फिर चिक्स पे है, तो इस केस में क्या करें कि सबसे पहले तो इस तरह का फॉर्मूला बना के आप पूरे फेस पे लगा लें, ठीक है। फिर थोड़ा सा बचा लें, और अगर आपको थोड़ी सी जिस जगह पे है तो वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रख के और सो जाएं, ठीक है। मतलब रब नहीं करना है, पहले पूरी जो फॉर्मूला है वो पूरा अपने फेस पे लगा लेना, उसके बाद थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से रख लेना है, जो जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो आपके पिगमेंटेशन है ना, वो बिल्कुल स्किन को बिना पिल ऑफ किए बिल्कुल वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट जो है आपको बहुत ही जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया तो आप बिल्कुल कन्फर्म रहिए कि आपके पिगमेंटेशन भले ही देर लगे लेकिन जाएगी ज़रूर। तो आप इसके फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए इस तरह से फॉर्मूला बना लेना, पूरे हाथ पे फैला लेना है, बिल्कुल कहीं भी आपको नोज़ कास के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। दोनों ही क्रीम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, और इसी चीज़ को आपको अपने फेस पे लगा लेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके रिजल्ट जो हैं बहुत ही बढ़िया मिलेंगे आपको, बेझिझक आप लगाइए, बिना डरे लगाइए।